Hello and assalamu alaikum. How are you guys? Thank you so much for the lovely response. And honestly, मैंने नहीं सोचा था कि बस एक छोटे से शाउट आउट के बाद इतने सारे कॉमेंट्स आएंगे, इतना सारा प्यार आएगा और आप लोग और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं. तो बड़ी एफर्ट लगी थी ऑनेस्टली यार, बड़ा टाइम लगा सोचने में और बहुत एफर्ट लगी कि आज मैं आके बैठूं और आप लोगों से बात करूं. बट आपके इतने सारे कमेंट्स जो मेरे सामने हैं, हाजरा, सबा, अमारा, राफिया, अनमोल, सनम मुख्तार, मरियम और पता नहीं कितने सारे और लोग जिनको मैं पर्सनली रिप्लाई भी कर रही हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ. एंड आई नो व्हाट यू वांट और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं. लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले अब मैं आपको ये बताऊँ कि इस चैनल का मकसद क्या था, क्यों मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और एकदम से मुझे सुबह सुबह क्या हुआ कि मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए. सो यू नो, आई नो द स्ट्रगल ऑफ ट्राइंग टू लूज वेट. आई नो देयर सो मेनी पीपल आउट देयर जस्ट लाइक मी, जो लोग लगे हुए हैं, कभी कोई क्रैश डाइट कर रहे हैं तो कभी कोई लिक्विड डाइट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं पूरे साल. हम उनसे सिर्फ एक ही बात सुनते हैं, जैसे मुझसे मेरी फैमिली पूरे साल एक ही बात सुनती है कि यार मैं डाइट पे हूँ, आज मैं नहीं खा सकती. और जब रात आती है तो वो डाइट चली जाती है और आप सब खाने लगते हैं और फिर अगेन डे वन स्टार्ट होता है. सो टुडे वी गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू लूज वेट इन अ हेल्दी मैनर. किस तरह हम अच्छा खाएं, क्लीन खाएं, वो सारी चीज़ें आप और मैं जानते हैं कि हमने क्या खानी है, बस हम मानते नहीं हैं और हमारा दिमाग क्योंकि नहीं मानता है. सारा काम ऑनेस्टली इधर से है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ. मैं आपके सामने 28 डे चैलेंज लेके आई हूँ जहाँ मैं कम्प्लीटली क्लीन ईट करूँगी, फ्राइड चीज़ें और इस सारी चीज़ें जिससे मैं और आप जानते हैं कि वज़न बढ़ता है वो नहीं खाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी. तो आज एक हफ्ता हो गया है इन सारी चीज़ों को और मैं आपके सामने वेइंग मशीन पे आज चढ़ूंगी. एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बट ऑनेस्टली आई फील गुड, आई फील लाइट एंड आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू ऑल द वुमेन आउट देयर जो अब कहती हैं अब नहीं हो सकता. It's not just about losing weight. It's about how you feel, you know. If you're feeling good, however you are, stick to that. इस पूरा जो 1 week हुआ है उसमें मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ मैं आपको आज अभी दिखाऊंगी. So this is how my day starts. सुबह सुबह सहरी से मेरे ख्याल से 3:15 पर मैं उठती हूँ और ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये हर दुकान में मिलता है, आराम से मिल जाएगा. इसको मैं सबसे पहले पीती हूँ, जल्दी उठती हूँ सिर्फ इस चीज़ के लिए. तो मैं 2 इस तरह गरम पानी में, गरम अच्छा चाय वाला जो पानी होता है ना मज़ेदार, जो आप ग्रीन टी और चाय बना के पीते हैं, ये 2 हमने डाला एप्पल साइडर विनेगर, हिलाया और इसको मज़े से पी जाती हूँ. थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा खट्टा होता है, टेस्ट बिल्ड करने में आपको टाइम लगेगा. बट ऑनेस्टली एक दफ़ा आप अपने दिमाग को समझा दे कि मैंने ये करना है और फिर चीज़ें हो जाएंगी. सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माई डे. सुबह सुबह 3:15 पे मैंने एक पूरा ग्लास गरम खोलता हुआ एप्पल साइडर विनेगर के साथ पी लेना है. नेक्स्ट क्या है आपको बताऊँ. So my day started with having apple cider vinegar. सुबह सुबह उसके बाद मैं 1 पानी पीने की कोशिश करती हूँ. आई नो आप सब सोचोगे 1 पानी बड़ा मुश्किल है, लेकिन बस मैं ग्लास करके, अगर 1 नहीं हो कोई बात नहीं, आप 1-2 ग्लास थोड़े थोड़े से शुरू करें. मैं भी पहले दिन नहीं 1 पीने लगी थी. सो मैं बहुत आसान सहरी बनाती हूँ अपने लिए, जो फटाफट बन जाए, आसान हो. सो दिस इज़ आप देख सकते हैं बॉयल्ड अंडे जो आप लोग भी खाते होंगे. सो 1.5 बॉयल अंडा, कभी कभार दिल नहीं चाहता ऑनेस्टली क्योंकि सहरी का टाइम इस तरह होता है, आपने पानी भी पी लिया होता है, आपका पेट भर चुका होता है और 1 खा लेती हूँ. कभी कभार मैं ऑमलेट बना लेती हूँ अपने लिए, थोड़ा सा तेल, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करके, देसी घी ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करती हूँ. सो आप अपने हिसाब से जो आप कंफर्टेबल हैं आप वो चीज़ खाएं, लेकिन मेक श्योर करें कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो. सो दिस इज़ वेरी सिंपल, दैट्स इट. मेरी सहरी हो गई और मेरा पेट भरा रहता है. और अब मैं आपको बताऊंगी कि इफ्तार के वक्त मैं क्या खाती हूँ. कितना खूबसूरत सजा हुआ होता है ना आपका टेबल इफ्तारी की, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, ओफ वो लाल वाला शरबत एंड व्हाट नॉट, इनमें से मैं कुछ भी नहीं खाती. मैं क्या खाती हूँ आपको दिखाती हूँ. सो इफ्तार में यस दैट्स इट. आई नो
मुश्किल है, लेकिन मेरी बॉडी यूज हो गई है. मैं मजाक कर रही हूँ यार, इतना भी कम नहीं, मुझे जूते पड़ेंगे अब. रुको रुको, मेरे पास एक और चीज़ है. सो दिस इज माई इफ्तारी. थोड़ी सेटिंग करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि यहाँ मेरे पास मेरी टीम नहीं है, खुद करना पड़ता है. ये पत्ते एक्स्ट्रा हो गए, इसको इधर रख देता है. ऑलराइट, फ्रूट से मैं शुरू करती हूँ कोशिश. कोई सेट पैटर्न नहीं है, जो उस वक्त अच्छा लग रहा होता है मैं खाती हूँ. बट लिटरली ये मेरी इफ्तारी है. इससे ज़्यादा नहीं खाती. कबाब सबके घर में होते हैं, बीफ के होते हैं, चिकन के होते हैं. आप उसको ऑलरेडी कबाब पके हुए होते हैं, यू नो देर ऑल बॉयल्ड. आपने इसको कम से कम तेल में, देसी घी इस्तेमाल करें, मैं वही करती हूँ. कम से कम तेल में आप इसको फ्राई कर लें, या आप इसको बेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवन है. यू एंड आई बोथ नो वेन वट इज़ द टाइम जिसके बाद हम वेट गेन करना शुरू करते हैं, और हमको पता होता है कि अब हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं. तो हमने बस ओवर ईटिंग से बचना है. दिस इज़ फ्रेश फ्रूट, गर्मा है आजकल, बहुत मज़े का मीठा आ रहा है. सो दिस इज़ माई इफ्तारी. अब इफ्तारी के बाद ऑब्वियसली सहरी तक जागे हुए ही होते हैं. आजकल स्केड्यूल बिल्कुल वो हो गया है, डिफरेंट हो गया है, उल्टा हो गया है. तो अब डिनर पे भूख लगती है मुझे. डिनर के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ. एंड फाइनली डिनर टाइम, डिनर अराउंड मेरा 10, 10:30 बजे या मैक्सिमम 11 बजे. इससे लेट मैं डिनर नहीं करती. अब उसमें क्या है ये आप देख रहे हैं. वाओ, राइस. यस, दिस इज़ राइस. बट ये वो वाले चावल नहीं है जो आप और हम रोज़ाना घर में दाल चावल वाले चावल खाते हैं. ना ये ब्राउन राइस है. बट दिस इज़ अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट ऑफ राइस, क्योंकि हम सबको क्रेविंग होती है चावल की. मुझे तो बहुत होती है, मैं चावल फ़ैन. ये है गोभी, लिटरली गोभी. अगर आप ये वाइट वाइट देख रहे हैं ना, ये गोभी के चावल मैंने बनाया. मतलब गोभी को मैंने देखें, एक आध बड़ा पीस यहाँ आ गया जो कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था. सो मैंने इसको श्रेड किया है, बड़ी सी गोभी पकड़ के मैंने फुल टिक 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 श्रेड किया. या फिर अगर आपके पास चॉपर हो तो उस चॉपर में आप श्रेड कर सकते हैं, तो वो आपके पास गोभी के गोभी का राइस बन जाता है. तो मैंने इसको, इसके अंदर जो भी सब्ज़ी अवेलेबल थी, मैंने वो वाली चीज़ें डाली हैं जो आपके घर में भी होती हैं. गाजर एंड ये देख रहे हैं आप मटर. ये मटर है, ये गाजर है. अगर आप चाहें इसमें फ्राइड एग भी डाल सकते हैं. ये मैंने कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस बनाई है थोड़ा सा सेसमी ऑयल के साथ. इसकी रेसिपी क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा. अगली वीडियो में मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी, वरना फिर हर जगह ये बड़ी आम सी रेसिपी है, हर जगह आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी. सो जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ सब्ज़ी है और ये बड़ी टेस्टी होती है. आपकी जो राइस की क्रेविंग है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी. काफ़ी दफ़ा मैं इसको इसके ऊपर सालन भी डाल के खा लेती हूँ. बट मैं इतनी सारी नहीं, इससे थोड़ा कम खाती हूँ. दिस इज़, मैं मुँह में पानी आ रहा है. दिस इज़ अमेजिंग, इट स्मेल्स सो गुड. एंड ऑनेस्टली आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आपने डिनर से पहले भी 3-4 ग्लास पानी पीना है. जब जब आप खाना खाने जाएं उससे पहले आपने 2-3 ग्लास पानी पीना, उसके बाद आपने खाना खाना है. और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिए. सो दैट्स इट गाइस, मेरी सहरी, मेरी इफ्तारी और मेरा डिनर आपके सामने है. और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने किस वेट पे ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और आज पूरे हफ्ते बाद मेरा वेट वेइंग स्केल पे क्या है. आर यू रेडी? बता दूँ क्या? ये अगले एपिसोड में बताएं. नहीं, बता देती हूँ. सो वी स्टार्टेड ऑफ, वी क्या, आई स्टार्टेड ऑफ विथ 68 kgs. मैंने कभी भी ये कहीं अपना वज़न नहीं बताया. पहली दफ़ा मैं इस तरह सिर्फ आप लोगों के लिए, सो आई कुड मोटिवेट यू गाइज. मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 68 kgs पे मैंने स्टार्ट किया. एक पूरा हफ्ता मैंने बहुत प्रॉपरली डाइट की, मतलब हेल्दी ईटिंग, नॉट रियली डाइट, हेल्दी ईटिंग की. पानी बहुत सारा पिया, 3 लीटर रोज़ाना. अपना ख्याल किया, मॉडरेट एक्सरसाइज की, और आज मेरा वेट है, आई दिखाती हूँ. ओके, तो एक हफ्ते पहले 68 kgs, क्लीन ईटिंग एंड एक्सरसाइज के बाद, लेट्स सी. नॉट बैड गाइस, 7 दिन में 1.5 kg डाउन. ऑलमोस्ट 66.4 है, तो मैं इसको 66.5 काउंट करूंगी, विच इज अमेजिंग. विच मीन्स कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की हेल्दी ईटिंग, तो आपके पास भी मौका है, क्योंकि मैं फिर से अगले हफ्ते आपके पास आऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने अपने डाइट में क्या चेंजेस किए हैं और क्या मजीद मेरा वेट गिरा है कि नहीं. आई विल बी डूइंग दिस टिल द एंड ऑफ रमज़ान. रमज़ान में हमारे पास एक एज ये भी है कि हम सब
अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं, तो वो हमारा एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट करें, दिस इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज़। ये वीडियो का मकसद ही है कि आप सबको मैं मोटिवेट करूँ। इसके साथ आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक। सी यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।